अब रुपौली में विधानसभा उपचुनाव हो रहा है, वहाँ किसको सपोर्ट करें? देखिए, किसी को नहीं, मैं बहुत साफ हूँ, मैं तटस्थ हूँ, मैं चाहूँगा अच्छे लोग, अच्छे गठबंधन जीते, अच्छी चीज़ें हों। कौन जीत रहा है? जीतना चाहिए मेरे ख्याल से, या फिर मुझे लगता है कि तो कांग्रेस जहाँ खड़ी होगी वहाँ पप्पू यादव तो बीमा भारती को समर्थन करेंगे? कांग्रेस का नेतृत्व यदि मुझसे ऐसा कुछ कहेंगे तो फिर मैं सोचूंगा। बीमा जी के लिए भी प्रचार कर देंगे आप? यदि कांग्रेस का नेतृत्व यदि मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं फिर सोचूंगा। तो कांग्रेस वालों ने इस बार तो आपसे ये भी नहीं कहा कि संसद में आइए मेरे साथ बैठिए, राहुल जी, अखिलेश जी, अयोध्या वाले, और एक सबसे बड़ी जीत लेकर पूर्णिया से आप आए। थोड़ा हम चाह रहे थे कि राहुल जी के साथ एक फोटो आपकी दिखती संसद के अंदर। भैया राहुल जी एक आवाज़ बन चुके हैं इस देश के 140 करोड़। और देखिए राहुल जी के बारे में मैं एक बात कह सकता हूँ, नेताओं की नीयत और नीत बहुत अलग अलग है, भीतर कुछ बाहर कुछ। राहुल जी जिसने बहुत कुछ देखा, बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखे, दादी का देखा, पिता का देखा, बड़े, अब कोई बोल दे तो अलग बात है, मैं राहुल जी की ठाकुर साहत ही नहीं करूँगा, लेकिन इतना जानता हूँ सोनिया जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी ठुकराई, राहुल जी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ी सेकेंड बार जब मनमोहन सिंह जी ने कहा, और उसके बाद जब देश के बच्चे और युवा 500 किलोमीटर 5000 किलोमीटर 5 किलोमीटर नहीं चल सकते हैं, वो 10,000 किलोमीटर। लेकिन राहुल गांधी के सामने एक उम्मीद देख रहा है, एक सपना देख रहा है, पप्पू यादव 10 मीटर नहीं, मैटर तो करता है ना, मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी के एक तरफ तेजस्वी यादव, एक तरफ पप्पू यादव, उन्होंने चुन लिया तेजस्वी यादव। नहीं, मैं नहीं मानता, सबको राइट है, वो स्वतंत्र है किसी को चुनने के लिए। मैं इतना जानता हूँ कि राहुल गांधी जी मेरे, मैं डज नॉट मैटर, राहुल गांधी जी एक परिपक्व मजबूत एक आवाज़ देश का, पूरे देश की युवा, गरीब और महिलाएँ, मजदूर राहुल गांधी पर भरोसा करते। नहीं, तेजस्वी यादव को तवज्जो क्यों देते हैं आपसे ज़्यादा? देखिए वो राहुल गांधी जी का अपना अधिकार है, अपना उसके अधिकार में और उनकी स्वतंत्रता में।